ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ ಭಗವತಿ ಹೇಷಿತಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ವರ್ತಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ತಿನಿ ಶೈಲಸುತೆ ಸುರವರ ವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರ ಧರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಮುಖ ಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೆ ತ್ರಿಭುವನ ಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರ ತೋಷಿಣಿ ಕಲ್ಮಶ ಪೋಷಿಣಿ ಘೋಷರತೆ ಜನಿ ರೋಷಿಣಿ ದಿತಿ ಸುತ ರೋಷಿಣಿ ದುರ್ಮದ ಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧು ಸುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ ಸುತೆ ವೈ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ ಕದಂಬ ಬನ ಪ್ರಿಯ ವಾಸಿನಿ ಆಸರತೆ ಶಿಖರಿ ಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗ ಹಿಮಾಲಯ ಶೃಂಗ ನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೆ ಮಧು ಮಧುರೇ ಮಧು ಕೈಟಭ ಗಂಜಿನಿ ಕೈಟಭ ಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ आदिवासी लोग पूजा पाठ करते थे पहले साधु संत आते गए कुछ रूप जो है पत्थर उत्थर लता लगा हुआ के अपना कुछ काम करते थे यहाँ विशद रूप जो है पहाड़ी बाबा आने के बाद हुआ उसका पहले जो है दूसरा कोई साधु संत थे थोड़ा सा मंदिर का बना के रखे बाहरी लगवाने के बाद ही विशाल रूप का धारण हुआ ऐरण दुर्मद शत्रु वधोदित दुर्धर निर्जर शक्ति भृते चतुर विचार धुरेण महाशिव ऐसे इस मंदिर का जो इतिहास है माता विंध्यवासिनी का तो जब माँ पार्वती जो है आत्मदाह कर ली थी मतलब हवन कुंड में कूद गई थी तो उनके सब को लेकर जो है शिव जी तांडव करते हुए जब पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे तो विष्णु भगवान जो है उनके शरीर से उनका जो है माता सती को धीरे धीरे चक्र से काट रहे थे ताकि मतलब उनका क्रोध शांत हो जाए और तो उसी दरमियान जो है तीन बूंद माता के शरीर से जो है रक्त गिरा था तीन बूंद रक्त गिरा था तो उसी से महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का जो है यहाँ पर जो है अभी माता विंध्यवासिनी का जो धाम बना है उसमें माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती को उसी तीन बूंद रक्त से ये बना हुआ है ये शक्तिपीठ जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी बहुत सारे भीड़ में जब साधु सन्यासी रहते हैं तो उनको भी एकांत की आवश्यकता होती है तो एक नीचे कुटिया है पहाड़ी बाबा का उनके सामने गुफा है तो जब वो सारे लोग घेर लेते थे उनको भी तो एकांत की आवश्यकता है तो उस समय वो उस गुफा में चले गए निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते जब हनुमान जी जा रहे थे
तो भरत जी को लगा था कि अयोध्या के ऊपर से कुछ इतना बड़ा विशालकाय क्या जा रहा है पहाड़, तो वो जो बाण चलाए थे तो गिरते समय जब हनुमान जी ऊपर से गिर रहे थे पहाड़ लेकर, तो कहा जाता है कि आदिकाल में उसमें एक बार पाँव यहाँ रखे थे तो उनके पाँव का निशान था। तो हम लोगों को यहाँ के लोगों को लगा कि नहीं यहाँ हनुमान जी का मूर्ति होना चाहिए, तो बरोड़ा के लोगों ने, बरोड़ा के नागरिकों ने जो है हनुमान जी का मूर्ति का निर्माण कराया। चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीतावन बसिया। रूप धरि सिय हित काबा, रूप धरि लंक जरावा, रूप धरि असुर सहारे राम।